हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं भाई जयपुर में, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। और यहाँ पे राजस्थान में अगर हम आए हैं और राजस्थानी टच फूड ना लेके आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आज ये देख लीजिए, राजस्थानी भोग पे यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। और यही का जो राजस्थानी जो भोग है ना, वो आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहता है, और यहाँ का जो कल्चर है ना, जो कि ट्रेडिशन है राजस्थान का, वो यहाँ पे रहने वाला है या नहीं, वो जरूर बताएंगे। हम आ गए हैं यहाँ पे, अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे जो राजस्थानी जो कल्चर है ना, नहीं कंबा जी देखो, बहुत ही अच्छा वेलकम है। और मेरे साथ में है मेरे ही भाई वरुण करला साहब जी। और देखो यहाँ का जो वेलकम है ना, वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जैसे ही वेलकम किया है, वेलकम ड्रिंक यहाँ पे है, ये देख लीजिए भाई, जो एक राजस्थान का जो कल्चर होता है ना, कि आप जैसे ही कहीं पे जाते हैं तो उसका जो स्वागत होता है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। और ये देखिए वेलकम ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक के साथ में ही यहाँ पे एंजॉय करते हुए यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थानी भोग है उसके पीछे राज क्या है, और यहाँ पे जो फूड यहाँ पे सर्व किया जाता है वो उसके पीछे क्या रहेगा। तो गणी कंबा जी, गणी कंबा कैसे हैं आप? सब ठीक है सर। तो सब ठीक है। अच्छा मेरे को ये बता दीजिए कि हम यहाँ पे आए हैं, मेरे को जो यहाँ का जो एम्बियंस, जो ये कल्चर है ना, राजस्थानी कल्चर है, वो मेरे को देख के ही बहुत खुशी हुई है कि भाई राजस्थान में ऐसा भी रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे कि पूरा जो राजस्थान का जो टच है ना, वो आपको फील करवा देते हैं। और वैसे भी राजस्थान का नाम सुना है ना, हर कोई खुश हो जाता है कि भाई राजस्थान में जाना है। और अच्छा मेरे को एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पे जयपुर में ये रेस्टोरेंट है, और जयपुर में रेस्टोरेंट है तो राजस्थानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पे पर्सन आए तो यहीं पे आए? एक तो सर आप आते ही वेलकम करवाते हैं अपन सबका, ये तो मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा है, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को भी। और गांव का पूरा कल्चर दे रखा है यहाँ पे, जो बाटिया वगैरह बनती है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो बाटी के जो है ना फ्लेवर्स जो आपको मिलेंगे वो यहाँ पे अलग अलग जगह के यहाँ पे मिलेंगे, वो हम टेस्ट करके बताएंगे। और क्या रहने वाला है यहाँ पे? और सर चूरमा रहता है अपना, प्लेन चूरमा जो बनता है। अच्छा, दाल बाटी चूरमा जो कि राजस्थान का जो वही फूड है, ऑथेंटिक फूड है, वो यहाँ पे रहता है, उसको भी टेस्ट करेंगे और भी बताएंगे। अच्छा और क्या चीजें? और पंचमेल दाल होती है सर, और राजस्थानी गट्टा मसाला होता है। राजस्थानी जो फूड है ना, पंचमहल दाल और राजस्थानी जो गट्टे की सब्जी होती है ना भाई, राजस्थान में आए और गट्टे की सब्जी ना खाएं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जरूर टेस्ट करेंगे। और कड़ी भी रहती है सर जो। वाह भाई वाह, तो यानी कि पूरा जो ऑथेंटिक जो फ्लेवर मिलने वाला है ना वो राजस्थानी मिलेगा, यानी भाई बहुत अच्छी चीज है कि सारा राजस्थानी यहाँ पे फ्लेवर्स हमको यहाँ पे मिलेगा। और अगर किसी को यहाँ पे आना होगा तो कैसे पहुंचेगा, ये जरूर बता दीजिए। माधव सिंह सर्किल है ये एरिया। अच्छा, रानी पार्क। ओके, अच्छा वहां पे इजीली आए और मैप पे डाल ले राजस्थानी भोग के नाम से, वो इजीली आप यहाँ पे प्लेस पे पहुंच सकते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो कि जो डाइनिंग एरिया है ना, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जो डाइनिंग एरिया है वो किस हिसाब से बना रखा है। और यहाँ पे जो देख के यहाँ पे फील हो रहा है ना, वो ये है कि जो राजस्थान में जो राजपूताना जो फैमिलीज हुआ करती थी, राजा महाराजा जिस टाइम में हुआ करते थे, उस टाइम में जो डाइनिंग एरिया है वो ऐसे ही रहता था। और ये यहाँ पे दिखाए ना, तो ये देखिए जो डिनर जो यहाँ पे करते हैं, लंच यहाँ पे करते हैं, तो उसके लिए जो खाने के लिए जो प्लेट्स है ना, जो डोने पत्तल में जो है वहां पे खाना सर्व किया जाता है, और यहाँ पे उसका टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और आगे देखिए तो ये देखिए जो इन्होंने यहाँ पे वॉल पे जो आर्ट दिखा रखा है, बिल्कुल एक विलेज वाली जो थीम है वो यहाँ पे आती है, और देख के मेरे को तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई एक गाँव में आ गए हैं और वहां पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये आगे देखिए, आगे की अगर वॉल पे ये दिखाया जाए आर्ट, और वैसे भी माना जाए ना राजस्थान के अंदर जो आर्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा है, एकदम 3D ऐसा लग रहा है कि लाइव मैं एक एंट्री करने के लिए जा रहा हूँ, वो वाला यहाँ पे फील आ रहा है। और अभी मैं भी यहाँ पे ऑर्डर करूंगा, देन फिर खाने का जो टेस्ट है ना वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपको पहले मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ जो किचन वाला एरिया है ना, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भाई जो खाना जो तैयार किया जाता है ना वो यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो आ जाइए एक बार।
अच्छा तो क्या बनाएंगे आप सबसे पहले? राजस्थानी गट्टा मसाला। देखो राजस्थानी गट्टा मसाला, राजस्थान में आए और गट्टे की सब्जी ना खाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत ही फेमस है राजस्थानी गट्टे की सब्जी, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और राई। राई है यहाँ पे, प्याज, ये लहसुन वाला पीस। देखो जो सबसे अच्छी बात करी जाए ना, एक हाइजीनिक फूड आपको यहाँ पे दिया जाता है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे जो किचन में है ना बिल्कुल एक मेंटेन है और काफी क्लीनिंग बहुत अच्छी मिली है। ये देख लीजिए ग्रेवी, वाह भाई वाह। और राजस्थानी में जो गट्टे की सब्जी बनती है ना उसमें ग्रेवी का मजा कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल सर, एक्चुअली में घर के अंदर जो लेडीज बनाती है वो का वही प्रोसेस है। और मैं राजस्थान अजमेर जिले से हूँ। ओके। और मेरी बड़ी कुकिंग जो शादियों के अंदर रहती है। ओके। ये मसाला पक के तैयार हो गया है, ये गट्टे जो पहले से तैयार किए हुए है। ओके। ये इसके अंदर। अच्छा जो ये गट्टे तैयार करे जाते हैं ये पानी के अंदर बॉईल करे जाते हैं ना सर? बिल्कुल सर, पानी के अंदर बॉईल करने के बाद कटिंग करी जाती है, करी जाती है, उसके बाद में इसको फ्राई किए हुए हैं सर ये। ये देखिए भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने पनिश करी है, कस्तूरी लाल लाइट रखते हैं। एक सब्जी जो हमारी गट्टे की थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी होती है। ओके। ताकि खाने वाले को लगे कुछ खाया राजस्थान में। बिल्कुल, अगर राजस्थान में आप आए और स्पाइसी खाना ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी यहाँ के बाद में अभी मिलते हैं डाइनिंग वाले एरिया में और इसको खाने को टेस्ट करते हैं, दैन फिर बताते हैं भाई यहाँ का जो टेस्ट है ना वो यहाँ पे कैसा रहने वाला है। ये देखिए ये लग चुकी है यहाँ पे, जो अभी थाली है ना यहाँ पे अभी सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गए हैं सोनू जी। सर ये आपके बटर मिल्क है। ये देखिए ये बटर मिल्क, ये लहसुन और टमाटर की चटनी जो गाँव में बनाते हैं वो। ये देखिए भाई जो सिल बट्टे पे जो तैयार करी जाती है ना ये वो ये चटनी है। ये मिर्ची के तिरपोले हैं सर। और ये मिर्ची के तिरपोले भाई। ये देखिए और ये सैलेड, ये सैलेड। और अभी ये देखिए भाई ये सर पंचमहल दाल है। ये है भाई जो पंचमहल दाल। और ये है सर राजस्थानी गट्टा मसाला। वाह भाई वाह। ये देखिए भाई बिल्कुल गर्मा गर्म, और जो टेस्ट है ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इसको बहुत जल्दी टेस्ट। और ये है कड़ी, वाह भाई खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये से प्लेन चूरमा है, ये है इसके अंदर प्लेन चूरमा। वाह जी वाह। और ये जीरा राइस है सर। ये यहाँ पे आ गए हमारे पास में जीरा राइस। देखो वैरायटीज देखो और आइटम्स देखो जो एक थाली के अंदर जो आते हैं ना। अभी तक हमारे पास में दाल आ गई है, यहाँ पे गट्टे की सब्जी आ गई है, यहाँ पे ये देखे तो कड़ी आ गई है, यहाँ पे प्लेन चूरमा है, और ये जीरा राइस है। सर ये आपके मसाला बाटी है। अच्छा ये मसाला बाटी है। और ये प्लेन बाटी जो जगरे में बनती है सर। ये देखिए प्लेन बाटी और यहाँ पे आ गया पापड़। वाह भाई वाह, वैरायटीज तो भाई है यहाँ पे। और अभी तो और भी बचा हुआ है। ये आपके आलू प्याज की सब्जी है सर। ये देखिए भाई ये है आलू प्याज की सब्जी। और ये है सर केर सांगरी। ये क्या है? केर सांगरी सर, जो केर सांगरी जो कि मारवाड़ का है ना सबसे फेमस फूड है। वाह भाई ये वाला जो है फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे ही टेस्ट करूंगा। और ये है भाई बाजरे की रोटी और इसके ऊपर ये देखिए जो घी है ना। वाह भाई वाह बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ये आपकी ये थाली है, पूरी थाली है ना? हाँ सर, इसमें अभी खीर हो रहा है। अच्छा अभी खीर और आनी बाकी है। देखो अभी जो यहाँ पे स्वीट के अंदर है ना वो खीर और आनी बाकी है, वो खीर और आने वाली है। देन उसके बाद में ये जो थाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब ठीक से देखो आइटम्स कितने हैं भाई, अच्छी खासी ये थाली सर्व करी जाती है यहाँ पे। अच्छा ये जो थाली है उसका नेम क्या है? ये रजवाड़ी थाली है। रजवाड़ी थाली है। अच्छा प्राइस क्या रहता है इसका? इसका 525 रुपए प्राइस रहता है। 525 रुपीस में आपको जो ये थाली है वो यहाँ पे सर्व करी जाती है। अच्छा जो क्वांटिटी जो यहाँ पे रहेगी
जैसे कोई अगर और नीड है तो वो वापस सर्व करी जाती है क्या? हाँ, अनलिमिटेड है। सबसे अच्छी चीज, आप जितना जो भी चाहे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो अनलिमिटेड है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक बार सर्व कर दिया गया है तो दोबारा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और भाई ये आ गई हमारे पास में खीर। खाना खाने के बाद में स्वीट में कुछ होना बहुत ही जरूरी है, तो वो खाने का भाई मजा ही कुछ और होता है। और ये हमारा जो थाली है ना, रजवाड़ी थाली, ये फुली यहाँ पे लग चुकी है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो टेस्ट है ना वो ये कैसा है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं ये जो बाजरे की रोटी है ना, ये यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको पहले ट्राई करता हूँ दाल के साथ में। वाह भाई वाह, बोले ना मजा आ गया मेरे को। एक और अभी चीज ट्राई करता हूँ, ये जो गट्टे की सब्जी है ना, ये देखते हैं। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये टेस्ट करने को मेरे को यहाँ पे मिलेगा राजस्थान में। और राजस्थान के गट्टे की सब्जी, जैसे मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ, बहुत ही फेमस होती है। कोई अगर राजस्थान में जाता है और गट्टे की सब्जी ना खाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भी बात करें ना, जो फ्लेवर्स हैं, जो स्पाइसी जो इसमें यूज करी जाती हैं, वो इसमें फ्लेवर्स यहाँ पे आ रहा है टेस्ट में, भी मजा आ गया। और सबसे अच्छी चीज, ये जो बाटी है ना, एक मसाला बाटी और यहाँ पे ये है फॉर्मल जो बाटी है। मैं करता हूँ सबसे पहले ये मसाला बाटी का जो टेस्ट है ना, इसका पहले फीलिंग दिखाता हूँ यहाँ पे। वाह भाई वाह, ये देखिए जो इसके अंदर जो यूज किया गया है, ये देखो काजू, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज करे हुए हैं। इसको पहले टेस्ट करते हैं। और इसके लिए भाई हम यहाँ पे थोड़ी सी ना ये दाल ले लेते हैं। और सबसे अच्छी यही है कि मैं इसको थोड़ा सा दाल में ही यहाँ पे डाल लूँ, उसके बाद में टेस्ट करूँ। भाई बहुत ही बढ़िया मसाला बाटी, मैं बोलूँ ना, जो मेरे को यहाँ पे राजस्थान के जयपुर में जो मेरे को यहाँ पे फ्लेवर्स जो मेरे को मिले हैं, ओनली राजस्थानी भोग में ही है। काफ़ी यहाँ पे ब्लॉगिंग मैंने अभी करी है, लेकिन जो एक फ्लेवर, जो एक यूनिकनेस जो यहाँ पे मिली है, वो यहीं पे आके मिली है कि यहाँ पे खाने के अंदर वैराइटीज आपको मिलेंगी एक थाली के अंदर। और हमारा एक और स्पेशल ये है यहाँ पे, जो कि मैं आज लाइफ में फर्स्ट टाइम में टेस्ट करने वाला हूँ भाई, सांगरी, जो कि भाई ये है सांगरी। ये थोड़ा सा यूनिक है, मे बी शायद जो कोई राजस्थान में आया होगा ना, उसी ने टेस्ट किया होगा। और राजस्थान में हर कहीं ये सर्व भी नहीं करी जाती है। ये देखिए वाह भाई वाह, टेस्ट बोले ना वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटीज हैं। और हर एक सब्जी का ले लो टेस्ट, एक अलग यहाँ पे टेस्ट मेरे को दिख रहा है, जो कि यहाँ पे राजस्थान में है। हर एक जगह का जो फ्लेवर्स यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे सबको एक जगह लाके राजस्थानी भोग के अंदर समेटने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारा का सारा जो टच उड है राजस्थान का, वो टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाए। और वो मेरे को यहाँ पे देखने को भी मिला है कि वो यहाँ पे है। एक और चीज जो कि अगर राजस्थान में अगर आप आओ, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी तो मैंने टेस्ट कर लिया है, चूरमा हो रही है। ये देखिए जो कि प्लेन चूरमा ये है, ये इसके लिए इसको थोड़ी सी दाल है ना, इसको कर लो। और राजस्थान में सबसे अच्छी चीज है ना, लोग हाथ से खाना बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल ये चम्मच जो चली है उससे लोग खाते हैं, लेकिन हाथ के साथ में जो खाते हैं ना, उसका कुछ टेस्ट ही अलग होता है।
भाई चूरमे की बात करें, एक होता है ना कोई मीठा ज्यादा यूज करता है, कोई कम खाता है, लेकिन इसके अंदर जो मीठा जो यूज किया है बिल्कुल ऐसा कि कोई गुंजाइश नहीं है ये कम है या ज्यादा है। जो प्रॉपर जो नीड होती है वो इसमें टेस्ट है और वही इसमें मीठा मिला हुआ है। मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट करी है। एक और चीज मैं भी क्या क्या चीज आपको बताऊं, ये है यहाँ पे कड़ी, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जो थिकनेस है ना, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी, ये देखो वाह भाई वाह, जो इसमें जो जो छाछ से बनाई जाती है ना, बिल्कुल देसी छाछ इसमें यूज करिए। और जो इसको जो आग जो होती है आग पे इसको जो पकाया जाता है, वैसा कि बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से जितनी इसको आग की जरूरत होती है उतनी देर इसको पकाया गया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कच्चा रख दिया गया हो या कुछ ज्यादा ही हीट किया गया हो, एक प्रॉपर जो इसको नीड होती है वो इसमें मिला है। भाई मैं भी और क्या टेस्ट करूं, सारी की सारी चीजें मोस्टली मैंने यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट करी है, मेरे को बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेस्ट लगा है। देखो मैंने तो ये टेस्ट किया ही है, मेरे साथ में बैठे हैं भाई वरुण भाई साहब, तो कैसा लग रहा है वरुण भाई? शानदार लग रहा है, स्वाद तो है ये तो बोलना। अच्छा टेस्ट किया है आपने, क्या टेस्ट किया अभी तक? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कि आप तो काफी टाइम से यानी कि बचपन से ही जयपुर में रह रहे हैं, तो काफी रेस्टोरेंट आपने एक्सप्लोर करे होंगे, तो जो टेस्ट है वो यानी कि बाकी सारे रेस्टोरेंट जो राजस्थान के जो टच उठ देता है फूड का, वैसा है या फिर कुछ डिफरेंट है? एक्चुअली मैंने एक एसएस में गया हूँ, रेस्टोरेंट में गया हूँ, दाल बाटी उनकी भी खाई है। ओके okay. यहाँ की थोड़ा अलग स्वाद उनसे, लेवल अप है। अच्छा लेवल अप मिला है। और जो आइटम्स है, आइटम्स के अंदर जो वैरायटीज यहाँ पे सर्व करी जाती है वो है कुछ ज्यादा है या फिर कैसे? ज्यादा ही तो देखो ये भी हैं कि खाने के मामले में टेस्ट में सेटिस्फाई हैं, इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जयपुर में जो इन्होंने एक्सप्लोर किया ना, यहाँ पे जो दाल बाटी और चूरमे का जो टेस्ट है ना, यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिफरेंट मिला है, जो कि एक यूनिकनेस यहाँ पे दिखाता है राजस्थानी भोग के अंदर। तो अपन करते हैं अभी खाने को एंजॉय। भाई देखो मैंने खाना तो फिनिश कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक यहाँ पे खाना, जो कि राजस्थानी कल्चर का दाल बाटी चूरमा के साथ। और जो खीर थी ना जो मैंने टेस्ट करी बहुत ही स्वादिष्ट थी। अभी हैंड वॉश कर लेते हैं, और ये देखिए जो हैंड वॉश करवा देना वो देखिए, जैसे खाना फिनिश हो जाता है तो ये आ जाते हैं, जिससे कि आप हैंड वॉश आराम से इजीली कर सकते हैं। भाई ये जो कल्चर है ना वो बिल्कुल जो राजा महाराजाओं के टाइम में जैसे रहता था वही ये कल्चर है, और बहुत ही बढ़िया है। तो देखो अभी हम चलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनके रिव्यूज हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि उनको यहाँ पे खाना जो टेस्ट उन्होंने किया है वो उनको कैसा लगा है, उनको जो फील आया ना राजस्थानी टच वाला वो यहाँ पे आया भी है नहीं। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, उनसे हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि उनको यहाँ पे टेस्ट कैसा लगा है। तो हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप? तो आपने डिनर कर लिया अभी? जी। तो आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ पे? टेस्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वेरी ऑथेंटिक। ओके, राजस्थानी फील आ रहा है, फील आता है। तो देखो जैसे कि मैं बताऊं, दिल्ली से मैं यहाँ राजस्थान में आया हूँ जयपुर में, और जो फ्लेवर्स जो मिलता है ना यहाँ पे, दाल बाटी चूरमा बहुत ही फेमस है राजस्थान का, वो यहाँ पे टेस्ट दाल बाटी चूरमा वाला जो ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे मिला है? एकदम एकदम, वो टेस्ट ही है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, और बात करें जैसे प्राइस, जैसे कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आता है और पर्सन यहाँ पे आके प्राइस, क्योंकि सबसे पहले देखता है क्वांटिटी एंड प्राइस कैसा है, वो जेन्युइन है, वैल्यू है। ओके, बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो और साथ में है ना यहाँ पे मैम भी है, तो एक बार इनसे और पता कर लेते हैं कि इनको कैसा लगा है। तो हेलो मैम, कैसे आप? बस बढ़िया है। कैसा लगा आपको यहाँ पे खाना? नहीं, अच्छा लगा, खाना अच्छा था। ओके, सर्विस थोड़ी हिल थी और सब बढ़िया। अच्छा, बाकी सब बढ़िया था।
तो यानी कि सर्विस के लिए मैं इनको बोलूंगा अभी कि सर्विस को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, बाकी खाना अगर टेस्टी है। अच्छा बराबर टेस्ट था। ओके सांगवी की सब्जी में भी टेस्ट एकदम प्रॉपर, जो मारवाड़ की जो सबसे जो बेस्ट जो एकदम प्रॉपर। अच्छा प्रॉपर यानी कि जो स्पाइसेस जो आते हैं, जो फ्लेवर्स जो आते हैं, अगर कोई बाहर से कोई पर्सन आए वो आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि जयपुर हर कोई लव करता है कि कोई भी अगर घूमने के लिए आए और बोले कि भाई मेरे को राजस्थान वाला कल्चर मेरे को यहाँ पे चाहिए, और फर्स्ट में ही अगर यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए तो ये बोल दे कि भाई हाँ राजस्थान का खाना है ना परफेक्ट है, तो मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखो जो खाना है ना यहाँ पे एक परफेक्ट मिलता है। हाँ मैम कुछ बोल रहे हैं। हाँ जैसा कि देखो ना यहाँ का जो व्यू है वो एक ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे आपको फील होगा कि यहाँ पे आप राजस्थान के अंदर बैठे हैं और एक उसी कल्चर में आप यहाँ पे बैठ के खाने का एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गाइस जैसा कि हमने यहाँ पे रिव्यू लिए हैं, जो फैमिलीज भी हैं और हमारे भी रिव्यूज दिए हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है और फैमिलीज को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा, जो राजस्थानी जो टच आना चाहिए ना फूड के अंदर वही यहाँ पे मिला है, और जो ट्रेडिशन है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भाई बहुत ही बढ़िया है। तो आपको भी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यहाँ का जो सबसे बेटर पार्ट है वो आपको क्या लगा, और जो भी इस वीडियो पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।